भेजो। जीएमसी ब्रेकअप, जीएमसी ब्रेकअप, मैनेजमेंट ब्रेकअप, जीएमसी ब्रेकअप, वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम, वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम, वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम, जीएमसी बी ब्रेकअप, फैकल्टी ब्रेकअप, वी आर फ्यूचर, स्टूडेंट्स है सर, जो हमारी डिमांड है, पहले तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं सर, जिन्होंने हमें इस टाइम सा दिया। सर हमारी ये डिमांड है कि हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं। ऑलरेडी हमारा वेस्ट टाइम हुआ है बहुत, हमें फर्स्ट सेम में ये रखा गया है और 3 साल हुए हैं आज तक। सर जो भी प्रॉब्लम्स हुए कश्मीर में वो हमने नहीं किए, ब्लेम हम पे ही चढ़ाया जा रहा है कि हम नादान हैं। हमने क्या किया सर? आर्टिकल रिमूव किया गया, हमने नहीं किया। कोरोना हुआ, हमने नहीं किया। सर जो डिग्री होल्डर्स है उनकी ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, उनकी डिग्री भी होगी कंप्लीट, और जो हम डिप्लोमा होल्डर्स हैं हम अभी वहीं फर्स्ट सेम में ही है। हम यही चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो या मास प्रमोशन हो। मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर हेयर एंड आई एम अ पैरामेडिकल स्टूडेंट श्रीनगर एंड आई एम हेयर फॉर अ मोटिव। वी एज अ प्रोफेशनल्स आर हेयर बट इट नॉट सीम्स लाइक वी आर अ प्रोफेशनल्स। वी हैव बीन टॉलरेंस, जो हमारा देखा गया, जो हमारी जो भी हमारा था वो किसी ने कभी सुना नहीं। तो आज हम यहाँ पे एक मकसद के साथ आए हैं, हम ग्रुप लीडर्स यहाँ पे आए हैं, एक पैरामेडिक्स के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हम इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मास प्रमोशन हो या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, बिकॉज हमारा फ्यूचर बहुत बड़े स्टेक पे है। वी आर द फ्यूचर सेव लाइवर्स। हम देखिए टोटल हम लोगों का ग्रुप 400 स्टूडेंट्स का है, बट एज अ प्रोफेशनल्स वी नो व्हाट इज कोविड दीज डेज। दिस पैंडमिक क्राइसिस हैज़ बीन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, दिस कोविड हैज़ बीन एट रिस्क। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि हम सिर्फ ग्रुप लीडर्स यहाँ पे आए और मीडिया से, मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से हम यही बोलना चाहते हैं, मेहरबानी करके हमारी तरफ नज़र डालिए और हमें बोलिए हमें करना क्या है, बिकॉज वी हैव बीन इन स्टेक फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। वी हैव जस्ट डिप्लोमा होल्डर्स, यस वी आर प्रोफेशनल्स, बट लॉट टाइम्स दिस इज द 16th प्रोटेस्ट वी हैव बीन हेयर एंड दिस इज लाइक वी नोबडी इज हेयर टू लिसन। मेडिकल कॉलेज से जाते हैं वहाँ बोलते हैं कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट जाते हैं वहाँ बोलते हैं हेयरिंग डेट। तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं आई कि हम क्या चाहते हैं। मेहरबानी करें हम पे नज़र डालें और हमें भी कुछ बोले करना।